हेलो हेलो एवरी वन वाट्सअप होप यू गाइज ऑल आर डूइंग ग्रेट सो लेट्स गेट रेडी विथ मी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास तो चलो फटाफट से तैयार हो जाते हैं सो आई हैव ऑलरेडी प्रपड्ड माई स्किन उसके लिए मैंने यूज़ किया था लोटस का क्रीम एंड प्रो लिक्सर का सीरम सो मेहंदी देख के ही तो पता चल गया होगा कि इसलिए मैं रेडी हो रही येस इट्स अ करवा चौथ मेकअप लुक तो फर्स्ट आई एम कन यूज़ मेबलिन का प्राइमर दिस इज मा करंट फेवरेट लाइक काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा वैसे तो अभी एक ही प्राइमर बचा हुआ है मेरे पास ये मेबलिन का सो आई जस्ट रियली लवड इट एंड नेक्स्ट टाइम मॉइस्चराइज माई लिप्स बहुत ज़्यादा हाइड मतलब डिहाइड्रेट बोल रही हूँ डिहाइड्रेट तो ऑलरेडी बॉडी है ही बिना पानी पिए बट बहुत ज़्यादा चैप्ट और क्रैक पड़ने लगे थे लिप्स पर आज आज ही के दिन एंड यूपी में क्या ठंड भी बहुत जल्दी शुरू हो चुकी है सो उसकी वजह से ज़्यादा यू नो एक्स्ट्रा केयर करना पड़ रहा है अब स्किन का और लिप मेरे कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो चुके थे नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस स्ट्रोप क्रीम फ्राम एनवाई बे इसको मैंने ज्यादा यूज भी नहीं किया और जब निकाल रही तो निकल नहीं रहा था और अचानक से इतना ज्यादा निकल गया है वैसे तो मैंने हमेशा इसको फाउंडेशन में मिक्स करके यूज़ किया या फिर एज अ हाईलाइटर ज्यादा यूज भी नहीं किया है पर पता नहीं प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका था और ज़्यादा लगने की वजह से मैंने अपने नेक बोन पे भी लगा लिया कि थोड़ा वहाँ पर शाइन है तो अच्छा लगता है एंड इसको अप्लाई करने में मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे ऐसा लगा कि मेकअप पता नहीं क्या होगा मेकअप के साथ ज़्यादा ब्लिंकी ब्लिंकी सा लग रहा था चेहरा एंड दिस इज़ इन दिस शेड रोज डायमंड नेक्स्ट टाइम को यूज़ दिस मिलानी का फाउंडेशन दिस इज़ टू इन वन इसे मैं जब जब भी यूज़ करती हूँ ना जब मुझे कोई लॉन्ग वेयर मेकअप करना है या फिर ज़्यादा कोई हैवी मेकअप करने वक्त या फिर पार्टी में जाना तभी यूज़ करती हूँ और ये मैं दोपहर में मेकअप करना मैंने शुरू किया था और मुझे रात तक इसे वेयर करके रखना था और दोपहर में मैंने इसने जल्दी शुरू किया क्योंकि मुझे फ़ोटोशूट भी करवाना था तो जल्दी रेडी होना था मुझे इसलिए मैंने इसे यूज़ किया अदरवाइज़ आई ऑलवेज़ यूज़ मे का जो फिटमी वाला फाउंडेशन है दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फेवरेट फाउंडेशन ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन और ये मैं ना उन लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी जो टू बी ब्राइड हैं या न्यूली वेड हैं जिनको न्यू न्यू फंक्शन में जाना रहता है लोगों से मिलना रहता है तो उनके लिए ज़रूर मैं बोलूँगी ये आप ज़रूर ट्राई करना बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है एंड इसको अप्लाई करने के बाद आपको अगर ज़्यादा स्पॉट्स नहीं है जैसे मेरा स्किन है या ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है आपके चेहरे पर तो आपको कंसीलर की भी नीड नहीं है इतने अच्छे से आपके पूरे फेस को अच्छे से हाइड कर देता है और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है चेहरे पर देन आई एम गोना यूज़ दिस वेट एंड वाइल का आई शेडो पैलेट मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया उसमें से कॉन्टोर वाला जो शेड आता है उससे मैंने पूरे अपने आईलिट पे अप्लाई किया देन आउटर कॉर्नर पे एक डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया और एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं जो एजेस है ना उसको थोड़ा सॉफ्ट कर रही हूँ नेक्स्ट टाइम मैंने यूज़ दिस स्विस ब्यूटी का लाइक माई वन ऑफ फेवरेट लिक्विड आई शेडो कॉन्ड यू एंड टेल यू गाइज इतना ज़्यादा प्यारा मैं कुछ दिनों से ना हर आई मेकअप पर ही अप्लाई कर रहा हूँ अगर आप पहले से मेरे वीडियोज़ देख रहे होंगे ना तो आपको पता होगा मैंने कितने सारे अभी जो रिसेंटली मैंने जितने भी आई मेकअप किए ना सब में इसे यूज़ किया एंड दिस इज माई फेवरेट 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 लिक्विड आई शेडो और इसका शेड है शैम्पिन शें, शैम्पिन बोलने जा रही थी मैं शैम्पिन इसका शेड है नेक्स्ट आई एम गोना यूज दिस मे का जेल आईलाइनर आजकल मैं आईलाइनर और मस्कारा बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ मुझे आई डोंट नो मैं भूल भी जाती हूँ और मुझे याद भी आता है ना कई बार सोचते हो कि छोड़ो जाने तो काजल से ही काम कर कर लेते हैं काम चला लेते हैं सो आई एम यूजिंग दिस प्लम का काजल एंड मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया है मार्स का मस्कारा एक्चुअली मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि ये मस्कारा उनके लिए अच्छा नहीं देखो यार सबके स्किन टाइप ना सबका हर चीज़ कंसर्न अलग होता है और प्रोडक्ट भी सबके स्किन पर सेम इफ़ेक्ट करे ज़रूरी नहीं है तो कभी भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो हमेशा मैं कहती हूँ कि आप पैच टेस्ट जरूर कर लो अगर नहीं समझ आता तो मत यूज़ करो आज देखो मैं अपने आईब्रोज़ को ही फिल करना भूल गई थी क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद इट्स बिना अ आयल मैंने अपने आईब्रोज लास्ट टाइम कब ग्रूम किए थे मुझे याद भी नहीं है सो so, जब ग्रूम किए हुए आईब्रोज होते हैं ना मुझे ज़्यादा टाइम लगता है फील करने में फटाफट फील हो जाता है नेक्स्ट आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का ये चिक टेंट ब्लश है सो प्रिटी मतलब कलर बहुत ही अच्छा है ना ही ये पिंक में आ रहा है ना ये यू नो पीच ये सारे कुछ कोरल कलर में है मुझे एक्जैक्ट पता नहीं क्या शेड है इसका और आई जस्ट लव इट मतलब लग रहा है कि अप्लाई करते जाओ चेहरे पे कहाँ चला गया मेरा ये ब्यूटी ब्लेंडर ढूंढ रही थी एक्चुअली <laughs> यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई मैंने इस शादी को मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं सॉरी 11 महीने हो चुके हैं 11 साल वाह 11 महीने हो चुके हैं और मैंने आज तक अपने हस्बैंड के सामने अब नहीं किया और किया भी होगा तो लाइक नो मेकअप वाला लुक रहा होगा जस्ट सनस्क्रीन लगा के चिक टिंट लगा दिया डेड सेट इतना हैवी मेकअप फर्स्ट टाइम किया एंड जो मेरा एक्सप्रेशनस है ना उसे देख देख के मेरे हस्बैंड बहुत हंस रहे हैं और वो भी उसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं सो so, उस टाइम पे मेरे को कहीं कहीं जगह बहुत ज़्यादा हंसी आ चुकी है एंड ओके okay, मैंने शेड नहीं बताया आपको मेरे ब्लश का uh... आई डोंट नो याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा शेड है मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ना सब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ दे सब चेक कर लेना एंड मैंने फिटमी का लूज पाउडर यूज़ किया था इन दी शेड फिफ्टीन लाइट और नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस पैक का मेकअप पिक्सल ज़रूर जरूर आग बंद कर खरीद लो यार बहुत बढ़िया इसे लगाने के बाद ना मेकअप का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ही अपग्रेड हो जाता है और लिपस्टिक में मैं यूज़ कर रही हूँ तीन लिपस्टिक मैंने यूज़ की है यहाँ पर आज मुझे ना ना रेड में जाना था ना न्यूड में जाना था ना ही पिंक में जाना था कुछ बिटवीन ऐसा चाहिए था सो मैंने इन तीनों को मिक्स करके लगाया एंड जब मैं इसे अप्लाई करी थी ना रियली really बताऊँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि मतलब मुझे जो कलर चाहिए था वो कलर नहीं क्रिएट हो हो पाया बट वैन इट्स ड्राई ना इट्स कमिंग टू सो ब्यूटिफुल कलर इतना ज़्यादा अच्छे कलर में टर्न हो चुका था आई वो जस्ट लव द शेड देन मैं अपना बहुत सिंपल सा हेयर स्टाइल कर रही हूँ मैंने फ़िक्स करके रखा था दिमाग में मुझे सिंपल सा बन बनाना है नथिंग टू मच सो यस मै बन इज़ रेडी नाउ एक्चुअली आज मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी अपने बीच में जो पार्टीशन निकलता है ना एकदम स्ट्रेट नहीं निकल रहा था फिर मुझे जैसे तैसे निकला मैंने बोला छोड़ो आगे जाके तो मुझे सिंदूरी भरना है तो थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है सो हेयर आई एम यूजिंग दिस लिक्विड सिंदूर आई डोंट नो लाइक ने कहा है कि क्या याद नहीं है मुझे और इसके ऊपर मैंने ना पाउडर वाला सिंदूर लगाया था तो वो मैंने ऑफ कैमरा किया है और एक्चुअली दिखाया भी नहीं है शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है ये लिक्विड लगाने मैं तो आप पाउडर वाला सिंदूर से सेट से करोगे ना इतना ज्यादा पीटी और नेचुरल लगेगा जो आपका मांग भर जाता है ना बहुत ज्यादा पीटी लगता है सो मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन ना एंड लास्ट जो बाकी है वो बिंदी आज मैंने सोचा थोड़ा सा बड़ी बिंदी लगाते हैं वैसे मैं लगाती हूँ तो छोटी लगाती हूँ लेकिन आज मुझे बड़ी बिंदी लगाना था और येस आई एम कमिंग सो दिस इज़ माई फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे एक अपने शादी का पूरी ज्वेलरीज पहन के एंड ये चूड़ा जोड़ा पहन के बहुत ही ज़्यादा लेकिन जब मैंने बिंदी लगाया तब मुझे याद आया कि मुझे सारे जो मेकअप में थे वो न्यू प्रोडक्ट से करने थे सिंदूर लिपस्टिक एंड काजल ये तो न्यू होना चाहिए था जो मेरे मम्मी के घर से पैसे से आया था तो मैं भूल गई फिर उसके लिए मुझे दोबारा रेडी होना पड़ा एंड मैं बहुत ही कन्फ्यूज़ थी कि अपने लहंगे का दुपट्टा कैसे रखूँ क्योंकि मुझे चुन्नी भी डालनी है एक और सर पर साड़ी भी डालना है सो या गया दिस इज माई होल लुक एंड यहां मैं फोटोशूट करवा रही थी तो so, तभी ये किसी ने वीडियो बनाया तो मेरे पास ये वीडियो मिल गया आपके साथ शेयर करने की सो या गया ऑल अब टूडेज बाई अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इन नेक्स्ट वन